आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रेटिडी फॉर मोल। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट के ज़रिए हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक प्रेग्नेंट वूमन विथ हाइड्रेटिडी फॉर मोल अप्रोच करती हैं हॉस्पिटल सेटअप में या हेल्थ फैसिलिटी में, तो उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कंडीशन कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल है, उनका अगर जो मोल या वेसिकल्स हैं या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हम जानते हैं, वो अगर वेजाइनल वे के थ्रू या वेजाइनल कैनाल के थ्रू अगर एक्सपेल हो रहा है और होता ही जा रहा है, तो उस कंडीशन वाली फ़ीमेल को हमने फर्स्ट डिविजन में लिया है। और सेकेंड हम उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जब फीमेल का यूट्रस जो है वो इनर्ट है। इनर्ट मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, और एक्टिव फॉर्म में नहीं है तो देर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन, और इस वजह से एक्सपल्शन नहीं हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर ये जो वेसिकल्स हैं या मोल्स हैं, ये अगर वेजाइना के थ्रू एक्सपेल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे मोल्स को निकालना चाहते हैं, जितना भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो भी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज़ मोल्स बन चुके हैं, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियल मोल हो जिसमें फीटल पार्ट्स भी इन्वॉल्व हों, तो उन सबको जब हमें बाहर निकालना है, तो हम पहले से उस प्रेग्नेंट मदर का जो है ब्लड चेक कराएं, ब्लड टेस्ट कराएंगे, और हम उनका ब्लड ग्रुप वगैरह असेस करेंगे, और उनके प्रोसेस के दौरान हम उनको ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए ब्लड जो है वो स्टॉक में रखेंगे। ओके, क्योंकि देर आर चांसेस कि प्रोसीजर के दौरान ब्लीडिंग, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ते हैं कि हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल में वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो देर आर चांसेस कि हम जब पूरा इवैक्यूएशन करना चाहें तो देर कुड बी लॉट ऑफ ब्लड लॉस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी रखने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए ब्लड स्टॉक में रखेंगे, साथ ही साथ आईवी इन्फ्यूशन भी रेडी करके रखते हैं किसी भी क्रिस्टलॉइड कंपाउंड्स का, जैसे रिंगर लैक्टेट है या नॉर्मल सलाइन है, कुछ भी जो सॉल्यूशन है उसका हम आईवी सॉल्यूशन भी रखते हैं, ताकि किसी भी तरीके से हेमरेजिक शॉक या डिहाइड्रेशन ना हो फीमेल को। ओके, सो जो एक्सपल्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर ये जो एक्सपल्शन है उसको जल्दी जल्दी, मतलब एक रेट होगा जिसके थ्रू ये वेसिकल्स वजाइना के थ्रू एक्सपेल हो रहे हैं, हमें अगर उस प्रोसेस को स्पीड अप कराना है, तो उस कंडीशन में या तो हम सक्शन यूज़ कर सकते हैं। सक्शन से एक नया एक पर्टिकुलर प्रेशर डेवलप होगा यूट्रस में, जिससे बहुत जल्दी उस प्रेशर के द्वारा वो जितने भी वेसिकल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे वजाइना के थ्रू, और उस कंडीशन में हम अगर ज़रूरत हो तो ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगा सकते हैं, और अगर एक्सपल्शन बहुत फास्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। ओके, सो अगर यूट्रेन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं हो, तो हम ऑक्सीटोसिन ड्रिप यूज़ कर यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी ये सारे वेसिकल्स जो हैं वो यूट्रस के बाहर आ जाएंगे। अब इसके थ्रू हम वेट करते हैं कि सारे जो वेसिकल्स हैं वो बाहर आ जाएं, और पूरा जो मटेरियल है वो बाहर आ जाए, यूट्रस जो है वो इवैक्यूएट हो जाएं। और कभी कभी कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू सम रीज़न जो कुछ मटेरियल्स हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के, वो यूट्रस में ही हो, उस कंडीशन में हमें क्यूरेटेज करना पड़ सकता है, जिससे हम कट करके क्या कर रहे हैं, इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट हैपन्स ऑल्सो इन सम केसेस। ओके, ये तब हो रहा है जब फीमेल के वजाइना के थ्रू जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या वेसिकल्स हैं वो अपने आप एक्सपेल हो रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि व्हाट इफ अगर एक्सपेल नहीं हो रहे हैं, तो अगर एक्सपेल नहीं हो रहे हैं तो उस कंडीशन में सेम एनीमिया, जो ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, हेमरेजिक शॉक हो सकता है, उससे बचाने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए सब कुछ रेडी रखते हैं, साथ ही साथ हम आईवी इन्फ्यूशंस वगैरह सब रेडी रखते हैं। ओके, देन जब यूट्रस इनर्ट है, यूट्रस कोऑपरेटिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, उस कंडीशन में देन देयर इज़ एन ऑप्शन कि हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का एज और पेशेंट की हिस्ट्री कैसी है। अगर पेशेंट यंग एज की हैं, उनकी अभी तक अगर मतलब मान लीजिए पहले कोई डिलीवरी नहीं हुई है, वायबल फीटस नहीं है, मतलब फीटस नहीं था, अभी वो और अगर कंसीव करना चाहते हैं बेबीज़ को, उस कंडीशन में हम उनके यूट्रस को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो वुमन है उनकी एज 35 प्लस है, उनकी या फिर उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, वो आगे कंसीव करना नहीं चाह रहे हैं, उन सारे कंडीशंस में, या फिर आप मान के चलिए कि
अगर परफोरेटिंग मोल है, परफोरेटिंग मोल का मतलब है कि जो मोल्स हैं वो परफोरेट कर रहे हैं यूट्रस के थ्रू, तो उस कंडीशन में, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल होने की वजह से मैलिग्नेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर प्रेगनेंसी एक्सक्लूड कर भी देते हैं, टर्मिनेट कर भी देते हैं, तो उसके बाद भी देयर इज़ वेरी हायर रिस्क कि उस वुमन को कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है, कैंसर ऑफ दी कोरियन. तो उस मैलिग्नेंसी को अवॉइड करने के लिए प्रिफर किया जाता है कि अगर वुमन की एज हो चुकी है, प्लस एज हो चुकी है, फर्टिलिटी एज क्रॉस हो गया है, या फिर वो आगे बेबी कंसीव करना नहीं चाहते हैं, उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा परफोरेटिंग यूट्रस है, तो उन सारे सिचुएशंस में रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी या रिस्क ऑफ कैंसर को अवॉइड करने के लिए प्रिफर किया जाता है कि यूट्रस को रिमूव कर दिया जाए. ओके, हिस्टरेक्टमी, सेलेक्टिव हिस्टरेक्टमी, दैट इज़ रियली ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कंसेंट ऑफ द फैमिली या फिर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट. ओके, और ये तो है, ये तो ईजी है कि इस कंडीशन में हिस्टरेक्टमी कर दिया जाए. वॉट इफ अगर जो प्रेगनेंट वुमन है वो बहुत यंग है, उनकी पहली कंसेप्शनल केस था ये, आगे वो अगर बेबी चाहते हैं, तो उस कंडीशन में वी कैन नॉट रिमूव द यूट्रस. तो उस कंडीशन में देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन कि यूट्रस के अंदर जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो भी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यूज मोल्स बन चुके हैं, उन सबको क्या करना है, इवैक्यूएट करना है एंड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है. उस कंडीशन में इवैक्यूएट करने के लिए देयर कुड बी टू पॉसिबल कंडीशंस, कि या तो वजाइना, मतलब वजाइना जो है वो प्रिफर, ईदर द इवैक्यूएशन कैन बी डन थ्रू वजाइना, मतलब वो तो बहुत प्रिफरेबल तरीका होता है कि वजाइना के थ्रू जो यूट्राइन मटीरियल, जो भी प्रोडक्ट है उसको क्या करें, हम इवैक्यूएट करें यूट्रस के अंदर जो कुछ भी है. कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जब वजाइना के थ्रू जो इवैक्यूएशन है वो पॉसिबल नहीं होता है, उस कंडीशन में अबडोमिनल सर्जरी करके यूट्रस को क्या करना पड़ता है, यूट्रस के अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं उसको निकालना पड़ता है. जैसे हम बेबी को डिलीवर कराने के लिए सिजेरियन सेक्शन करते हैं, उसी तरीके से हमें ये करना पड़ता है हिस्टरोटॉमी के थ्रू. इट्स एक्चुअली हिस्टरोटॉमी. ओके, यू हैव टू ओपन दी यूट्रस एंड उस तरीके से क्या करना पड़ता है, जैसे हम बेबी को डिलीवर करते हैं सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, वी हैव टू टेक इट. ये बहुत रेयरली होता है और ये तब करना पड़ता है जब सर्विक्स जो है वो बिल्कुल अनफेवरेबल है, इट इज़ नॉट ओपनिंग एंड इट इज़ नॉट एक्टिव, या फिर पर वजाइना के थ्रू ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हम कोई प्रोसीजर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, बाकी सारे कंडीशंस में वजाइना प्रिफर्ड वे होता है, जिससे यूट्रस के अंदर जितनी भी मोल्स हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा सकता है. अगर फीटल पार्ट्स हैं, फीटस इन्वॉल्व हैं, तो उस कंडीशन में फीटस को भी इवैक्यूएट किया जा सकता है. तो वजाइना से कैसे कर सकते हैं, दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो सर्विक्स फेवरेबल है या फिर सर्विक्स अनफेवरेबल है. सर्विक्स फेवरेबल है मतलब सर्विक्स ओपन हो चुका है एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस कंडीशन में हम सक्शन कर सकते हैं और सक्शन करते वक्त हम ऑक्सीटोसिन का ड्रिप यूज़ कर सकते हैं, और ऑक्सीटोसिन का ड्रिप यूज़ करके यूट्रस जो है वो और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज़्यादा होगी, और उस जरिए से सर्विक्स के थ्रू, क्योंकि सर्विक्स ओपन है, उस जरिए से सर्विक्स के ओपन वे के थ्रू ये सारा जो मटेरियल है ये बाहर आ जाएगा. व्हाट इफ अगर सर्विक्स ओपन नहीं है, सर्विक्स ओपन नहीं है तो सर्विक्स को डायलेट कराना पड़ता है, पहले प्रोसीजर्स अटेम्प्ट करने पड़ते हैं जिससे सर्विक्स को ओपन किया जा सके, और सर्विक्स को ओपन करने के बाद देन अगेन हम वही करेंगे कि सक्शन यूज़ करके सारे प्रोडक्ट जो है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, और कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीटोसिन की ज़रूरत है या नहीं है. ऑक्सीटोसिन बस इस प्रोसेस को बढ़ाने में मदद करेंगे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करके. ओके, इन दोनों ही कंडीशंस में, मतलब चाहे सर्विक्स ऑलरेडी फेवरेबल था या सर्विक्स को आपने ओपन कराया है, उन दोनों ही कंडीशन में एंड में जब पूरा प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, वेसिकल्स निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में जो क्यूरेटेज है उसको यूज़ किया जा सकता है. क्यूरेटेज जो प्रोसेस है, कटिंग ऑफ दी पार्ट्स जो है वो किया जा सकता है अगर ज़रूरत है तो. काफ़ी टाइम ऐसे होते हैं, काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पूरा का पूरा मटीरियल जो है वो आ जाता है, सर्विक्स अपने आप में ओपन होता है इतना कि हमें क्यूरेटेज की ज़रूरत नहीं होती, सक्शन का जो प्रेशर होता है वो काफ़ी होता है. ओके, ये हो गया जब वजाइना के थ्रू कर रहे हैं, अब डोमिनली हम हिस्टरोटोमी कर रहे हैं, हमने बात किया
हिस्टेक्टमी करने की कंडीशन के बारे में हमने बात की, और यहाँ पे हमने बात किया कि अगर ऑलरेडी जो जो भी प्रोसेस हो रहा है इवैक्यूएशन का वो अपने आप हो रहा है तो क्या करेंगे. इन सारे मतलब देयर कुड बी 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव कंडीशंस हो सकते हैं. तो हमने फाइव के फाइव कंडीशंस सारी ही कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. इनमें से कोई एक कंडीशन में हमारे पास पेशेंट होंगी. ओके, इन सबके बाद जो एंड जो रिज़ल्ट है वो ये है कि हमने पूरा जो मोल था, जो प्लासेंटल टिश्यूज थे, वो सब कुछ हमने क्या करा लिया, इवैक्यूएट करा लिया. इवैक्यूएट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई है. ऑल इज़ नाउ इन अ नोकी सिचुएशन. अब उसके बाद क्या किया जाता है कि अगले 6 महीनों के लिए कम से कम पेशेंट को फॉलोअप के लिए एडवाइस किया जाता है. और काफ़ी सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर प्रिफर करते हैं कि उन्हें साइटोटॉक्सिक थेरेपी दी जाए. साइटोटॉक्सिक मतलब जो कैंसरस अगर चांसेस है मैलिग्नेंसी के, तो उस कंडीशन में कैंसर के चांसेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोफिलैक्टिक तरीके से साइटोटॉक्सिक थेरेपी दी जाती है. ओके, सो हम उन प्रेग्नेंट वुमेन को उस कंडीशन में मतलब हम एडवाइस करते हैं कि उन्हें फॉलोअप के लिए जाना चाहिए, रूटीन फॉलोअप, जैसे मैंने कहा कि एटलीस्ट 6 वीक्स के लिए. और साथ ही साथ उनका जो ब्लड और यूरिन में जो HCG का लेवल होता है उसे रूटीनली मॉनिटर किया जाता है हर फॉलोअप पे, ये देखने के लिए कि जो HCG नॉर्मली जैसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो चुकी है तो कायदे से ये जो HCG लेवल है वो नॉर्मल जब मॉनिटर किया जाता है तो देखा जाता है कि HCG लेवल, जैसे हमने कहा कि HCG लेवल को मॉनिटर करते हैं, तो अगर HCG लेवल सेम उसी पॉइंट पे है जैसे उनके प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने से पहले जैसा था, उस उतनी वैल्यू पे अगर HCG लेवल रुका हुआ है और या फिर HCG लेवल और इंक्रीज़ हो रहा है प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि देर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी. एंड उस कंडीशन में फिर अगले 1 साल के लिए न्यू प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है और उनके स्कैनिंग्स किए जाते हैं, रेडियोग्राफिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसके आधार पर अगर मैलिग्नेंसी है तो उन्हें कीमोथेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेयर अगर लेवल डाउन नहीं हुआ तो. दूसरा एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि HCG का लेवल जो है वो वापस नॉर्मल की तरफ आ जाए, लो हो जाए, और ऐसा होता है तो अगले 6 महीने तक फॉलोअप किए जाते हैं. और फॉलोअप करने के बाद अगर बिल्कुल ही नॉर्मल कंडीशन आ गई है मदर की तो उनको आगे प्रेगनेंसीज के लिए इनक्रेज किया जा सकता है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रेटेडी फॉर्म मोल. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करें, ऐप को विजिट करें, वहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल होंगे. थैंक यू.